पर रावण तो बहुत है ना देश के अंदर, रावण जलेगा नहीं तो दूसरे रावण कहाँ जलेंगे, उनको भी तो जलाना है ना, समझ जाओ। रावण बहुत है देश के अंदर, ये रावण जलाने से उनको अकल आ जाएगी, हम भी जलेंगे, हमको भी जलाया जाएगा। ये पप्पा के हाथ का जो रावण का शुरुआत जो नागपुर में हुई है, हम लोग अभी कम, मैं तो कम से कम 25 सालों से कर रहा हूँ। ये उस वक्त 15-16 साल का था, पर उसमें दूसरे लोगों का जो सहयोग लिया था वो एक रोग के खड़े होने वाली बात है कि मुंडी पहले ऐसी लकड़ी की या उकेरे कागज की नहीं बनती थी, ये तो मेरे दिमाग से जब हुआ, घास और मट्टी की मूर्ति बनी, चेहरा बना, विशाल चेहरा बना, उसको ट्रक पर चढ़ाने को 8 आदमी से नहीं चढ़ता। रावण उत्तर प्रदेश में बैठता था, वो उत्तर प्रदेश से वो आदमी की एक शक्ति आई, एक विचार आया कि नागपुर में रावण बनना चाहिए। क्यों? कि यहाँ मारबत बनती थी, मारबत का त्यौहार होता था। साइंस कॉलेज के ध्यान सिंह प्रोफेसर है, कानपुर के रहने वाले, और उन्होंने लाया और वो यहाँ हमको ढूंढते हुए आ गए। अब मैं रावण बनाता तो मेरा विरोध करे लोगों ने, जब मैं रावण का काम करता तब भी विरोध करते मेरा। जब मुझे दिमाग है दरवाजे में सो जाता हूँ और जब विचार करता हूँ वो मेरे को प्राण आए, तो लोहे का रावण मैंने सपने में देखा है आदमी। अब ये साल तो 2 साल से डाउन गया, तो अभी क्या करेंगे, 2 साल से डाउन गया तो सब के हाथ ये हो गए। इसके अलावा दूसरी जो कला है कागज की वो भी ख़त्म हो गई। ये अभी क्या है कि भाई हमको मारना है तो मारो, हम छोटा सा रावण, अब हमारे यहाँ रावण बनने लगा, हम भी उसको जलाने लगे, तो एक श्रद्धा बन जाती है कि हम भी छोटा सा रावण बनाएंगे। अभी ऐसा है कि कोरोना काल के वजह से हमारे काम, ये पारंपरिक आर्ट को एक ग्रहण सा लगा है, और सरकार के कुछ नियम प्रतिबंधित जो उन्होंने कानून बनाए हैं कि रावण के लिए जो कायदे कानून बनाए हैं, और ये परंपरा को एक प्रकार से रोका जा रहा है, और कुछ कई जो पुरानी संस्था है, जो पुरानी संस्था नागपुर में है, उन लोगों को परमिशन मिली नहीं है, इसके कारण ही रावण बनने, रावण नहीं बना, आर्डर नहीं मिले, और महंगाई की भी और मार है इसमें। रावण के अलावा हमारे यहाँ एक विशाल आकाशदीप बनते हैं, पारंपरिक आकाशदीप पुराने ज़माने में जो लगते थे, तो वो आकाशदीप आज हमारे यहाँ अभी भी बनते हैं। इस पारंपरिक जो दुकान को, खानदानी एक काम को उस ग्रहण सा लगा है, सारे काम ठप पड़े हैं।